आज देखेंगे सिलाई से जुड़ी ऐसी बातें जो लगती तो छोटी है लेकिन हमारे काम में बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है। तो चलिए देखते हैं आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखते हैं हमारे टिप नंबर 1। यहाँ पर मैं बॉबिन केस के बारे में बहुत ही मजेदार बात बताने जा रही हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी। तो बॉबिन केस को हम इस तरह से पकड़ते हैं, लेकिन इस तरह से पकड़ने से बॉबिन आसानी से बाहर आ जाता है। तो एक ऐसा तरीका है जिससे बॉबिन बाहर नहीं आती, तो हमें पकड़ना है। यहाँ पर एक हुक होता है बॉबिन केस के ऊपर, इसे इस तरह से ओढ़ लेना है और उसके अंदर इस तरह से उंगली डालकर इसे इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से पकड़ने से आपके बॉबिन जितनी चाहे आप हिलाओ, बॉबिन केस में से बॉबिन बाहर नहीं आती। जैसे ही मैंने इसको दो उंगलियों में पकड़ा, बॉबिन बाहर आ गई। तो जब भी आप बॉबिन को डालते हो बॉबिन केस में और इसे आपको नीचे की तरफ लगाना होता है, तो आप इस तरह से इसको ओढ़ कर उंगलियों में पकड़ते हो तो बॉबिन नीचे गिरने का डर नहीं रहता और आप इसे आसानी से लगा सकते हो। तो जैसे आपने देखा, यहाँ से मैंने इसको लगा दिया है। लगाते टाइम आप इसे छोड़ दो तो भी चलेगा, वैसे ही पकड़कर लगा दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से लगाओगे तो बॉबिन नीचे छूटने का डर नहीं रहता है। अब देखते हैं हमारी अगली टिप, टिप नंबर 2। कई बार हमें कपड़े पर लगी सिलाइयां निकालनी पड़ती है, तो उस समय हम सुई का, पिंस का या फिर सिम रिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी सिम रिपर, इससे बहुत जल्दी से सिलाई निकल जाती है। तो इसका सिलाई निकालने का भी एक खास तरीका है। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई निकालने के लिए 2-3 टाके निकाले हैं। कई बार लोग ये जो नोक वाला हिस्सा है वो नीचे डालते हैं और सिलाई को इस तरह से निकालते हैं। तो नोक वाला जो हिस्सा है वो कपड़े के ऊपर बाहर बार बार आता है, तो ऐसा नहीं करना। जो बॉल वाला हिस्सा होता है सिम रिपर का, वो हमें नीचे डालना है। तो जैसे आपने देखा, मैंने डाल दिया और फिर इस तरह से हमें सिलाई निकालनी होती है। लेकिन इस तरह से सिलाई निकालने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और इसे हम दबाएंगे हमारी दाब के नीचे, यानी नॉब के नीचे। दबा के रखने के बाद ये हिलेगा नहीं और अब हमें आसानी होगी। तो जो सिम रिपर का बॉल का हिस्सा होता है वो मैंने अंदर डाला है और इस तरह से बस इसको आगे की तरफ लेके जाना है। बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी नहीं करना, वरना कपड़ा भी फट सकता है। तो यहाँ पर हमें धीरे धीरे टाका निकालते जाना है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाता है। बस हमें नहीं जल्दी करनी, ये धीरे धीरे करना है। ये एकदम अच्छे से काम हो जाता है, आपकी सिलाई बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, इससे हमें कम एफर्ट लगता है और टाइम भी हमारा काफी बचता है। इसे टिप समझिए या फिर ट्रिक कैसी लगी, मुझे जरूर बताना। अब हम बढ़ते हैं आगे टिप नंबर 3 की तरफ। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन है और हम सभी लोगों के साथ बार बार होती है। जैसे ही मशीन शुरू की, सुई में से धागा निकल जाता है। बार बार हमें उसे सुई में पिरोना पड़ता है, इसमें टाइम और एफर्ट दोनों चला जाता है। इसका रीजन और सोल्यूशन दोनों मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मशीन में ये वाला जो पॉइंट होता है ये ऊपर नीचे करता है और इसे हमें हमेशा ऊपर रखना है। जब भी आप सिलाई को शुरू करने जा रहे हो, इसे हमेशा ऊपर रखें। इससे आपका धागा सुई में से नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप मेरा धागा नहीं निकला, पूरी तरह से स्टिच मेरी हो चुकी है। अब धागा तोड़ने से पहले मैं चेक करूंगी कि ये ऊपर ही रही, क्योंकि अभी के लिए तो ये नीचे है। और ऐसे में अगर मैं धागा तोड़ के फिर से सिलाई शुरू करूंगी तो फिर से धागा निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे फिर से ऊपर कर लिया है। एक बार इसकी आदत पड़ जाए तो ये आदत आपकी नहीं छूटेगी और आपका धागा भी नहीं निकलेगा बार बार। ऊपर करने के बाद ही मैंने धागे को तोड़ दिया है। जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत छोटा सा धागा है आगे की तरफ, और इतना धागा होते हुए भी ये अभी सुई में से नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ऊपर करके रखना है, वो ऊपर ही है। ये देख सकते हो आप, इससे हमारा धागा नहीं निकलेगा, भले ही थोड़ा सा धागा ही क्यों ना हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो, सिलाई मेरी आ गई है, धागा मेरा बिल्कुल भी नहीं निकला है। बस इसे आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसका रीजन क्या है। तो देखिए, जैसे हम सिलाई लगाते हैं और उसे तोड़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, इसे हमेशा आपको ऊपर रखना है। लेकिन अगर ये नीचे रहता है तो क्या होता है, इसे मैं आपको नीचे करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने धागा तोड़ दिया और ये थोड़ा सा ही धागा है, ठीक है, जितना पहले मैंने आपको बताया था उतना ही है। अब जब मैं इसको नीचे करती हूँ
ये मैंने नीचे किया। अब जैसे मैं मशीन शुरू करूंगी तो ये जोर से झटके से ऊपर जाता है और धागे को भी झटका देता है, उससे धागा सुई में से निकल जाता है। देखते ही जैसे ही मैंने मशीन को स्टार्ट किया है, धागा पूरी तरह से बाहर आ गया, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते टाइम ये धागे को झटका देता है और धागा बाहर आ जाता है, और ऊपर से नीचे आते टाइम ये धागे को लूज छोड़ता है, जिससे आपका धागा नहीं निकलता है। तो बस यही एक रीजन है और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया, तो ट्राई करके जरूर देखना। अब बढ़ते हैं आगे टिप नंबर 4। जब भी आप अपना सिलाई का काम खत्म करते हो तो ये जो फूट है, जिसे हम फूट बोलते हैं, दाब बोलते हैं, नॉब बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, इसे हमेशा इस तरह से खड़ा करके रखिएगा। जब भी आपका सिलाई का काम खत्म हो इसे खड़ा करके रखें, ताकि ये जो नीचे के जो फिट डॉग जिसे हम बोलते हैं, इसकी लाइफ बढ़ती है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सुई को आप हमेशा नीचे की तरफ रखें, इससे सेफ्टी बनाए रहेगी। बढ़ते हैं आगे टिप नंबर 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सुई में धागा डाला है, उसको नॉट भी लगा दी है, और यहाँ पर ये सिर्फ सिंगल धागे का ही मेरा काम है। कई बार हमें सिर्फ सिंगल धागे से ही तुरपाई करनी होती है या फिर सिंगल धागे के ही टाके लगाने होते हैं, तो उस टाइम पे ये बार बार ये वाला धागा निकल जाता है इस साइड का। तो ये छोटा सा जो साइज है धागे का, जो सुई के आगे निकल जाता है, वो बार बार ना निकले, इसके लिए एक सोल्यूशन बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, सुई को लेना है और इस साइड से धागे को चीर कर उसमें से बाहर निकालना है सुई कर्न। जैसे आप देख पा रहे हो, आपका चाहे रील का धागा हो या फिर कोई मोटा पतला कोई भी धागा हो, उसे चीर कर आपको बाहर निकालना है। एक बार मैंने निकाला और दूसरी बार भी निकाला, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, दो बार हमें इस तरह से करना है। ठीक, अब इस तरह से करने के बाद ये देखिए सुई को हमें बाहर ओढ़ लेना है, और ये देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा। तो जैसे आपने इस तरह से किया, आप देख सकते हो कितना भी आप अभी ओढ़ो धागे को, ये धागा बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसे आप सिलाई लगाते हो, बार बार ये वाला धागा बाहर निकलता है सुई में से, लेकिन अभी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से यहाँ पर अंदर, इसी धागे के अंदर अटैच हो गया है और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, चाहे जितना आप ओढ़ लो यहाँ पर। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी टिप काम करती है। तो यहाँ पर मैं आपको सिल के भी दिखाती हूँ। तो ये सिंगल टाके में यहाँ पर ले रही हूँ, आप चाहे तुरपाई करो, कोई भी काम करो, आपका धागा यहाँ से नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हो सिंगल धागे से बहुत ज्यादा परेशानी आती है, लेकिन अब से नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर कितना भी खींचो ये यहाँ से नहीं निकलेगा। तो बस ये छोटी सी टिप है जो आपको जरूर यूजफुल होगी। अब जैसे आपका काम खत्म होता है, आपको सुई में से धागा निकालना है, तो बस ये यहाँ से निकाल दीजिएगा। ये देखिए यहाँ से मैं निकाल देती हूँ, ये निकल गया और आसानी से आप सुई को बाहर निकाल सकते हो। तो इसे ट्राई जरूर करना। अब देखते हैं हमारी टिप नंबर 6। यहाँ पर ये जो मेरी कपड़ा काटने की कैची है ना, बहुत अच्छी है, इसकी धार इतनी अच्छी है कि एकदम स्मूथली काम करती है। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि जो कपड़ा काटने की कैंची है उसी से कागज को काट लेते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि कपड़ा काटने की कैंची से सिर्फ कपड़ा काटिएगा, उससे अगर आप कागज कट करोगे और फिर से कपड़े के ऊपर चलाओगे तो उसकी धार पूरी तरह से चली जाती है। इसलिए कपड़ा काटने की कैंची अलग रखिए और कागज काटने की कैंची अलग रखिए। जो कागज काटने की कैंची है उससे कागज तो अच्छा कटेगा, लेकिन कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं कटता, क्योंकि कागज काट काट कर उसकी धार बिल्कुल चली जाती है। तो इसीलिए हमारी दोनों कैचियां अलग अलग रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे हमारी अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 7। तो ये हमारे सिलाई के बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है, जैसे कि पैटर्न स्केल है, आर्महोल कर्व है, स्केल है, जिसका उपयोग हमें बहुत ज्यादा और बार बार करना पड़ता है। अब ये जो टूल्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं, जब भी इनका काम होता है उठाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जैसे आप देख पा रहे हो ये हाथ में ही नहीं आते जल्दी। ऐसे में हम छोटा सा काम करेंगे, तो हमारे घर में कई ऐसे वॉल हुक्स पड़े रहते हैं जिनका यूज हम इसके ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर आप साइज बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो जैसे मैंने इसका स्टिकर निकाल दिया है, और इस हुक को मैं यहाँ पर लगाऊंगी जहां पर कोई निशान ना हो, कोई लाइन ना हो, यानी कि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर कोई निशान वगैरह नहीं था, उस जगह पर मैंने इसको लगा दिया है। अब ये उठाने में मुझे बहुत आसानी होगी। तो ऐसे ही एक एक करके हम सारे टूल्स के ऊपर इसे लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, पहले मैं देखूंगी कि वॉल हुक की जो चौड़ाई है वो मुझे डिस्टर्ब ना करे जब भी मैं कोई शेप बनाऊं। तो यहाँ पर
मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल की चौड़ाई कम है हमारे आर्महोल कर्व से, तो इसे जरूर चेक कीजिएगा। अब मैं इसका स्टिकर निकाल के इसको इसके ऊपर लगा दूंगी, तो आपको जहां भी अच्छा लगे या सही लगे आप वहां पर उसको लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि ये आर्महोल कर्व से कम चौड़ा है, तो इसे ये बहुत अच्छे से फिट आया है। अब स्केल के ऊपर अगर मैं वही वाला बड़ा वाला लगाती हूँ तो स्केल के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो छिप जाएंगे, इसलिए मैंने छोटा वाला लिया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शेप्स होते हैं वॉल बुक्स के, जो कई सारे वैरायटीज भी होते हैं, उनमें से जो आपको सही लगे अच्छा लगे आप चिपका दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ये छोटा वाला लगा दिया है ताकि यहाँ पर ये जो नंबर्स है वो भी ना छिपे और मेरी स्केल भी आसानी से मैं उठा सकूँ। तो इसे ट्राई जरूर करना और मुझे बताना भी जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के जो सारे टिप्स थे ट्रिक्स थे आपको कैसे लगे, यूजफुल रहे या नहीं रहे वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सी टिप आपको अच्छी लगी वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, धन्यवाद।